मैं सर, ये सरकार बहुत निकम्मी गवर्नमेंट है, और कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सबसे बड़ा शब्द है निकम्मा, तो नीच गवर्नमेंट बनती है जो मतलब गरीब की सुनती नहीं है। वो सब मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए सब तैयार है यहाँ पे। हाँ, पहले मर चुके हैं, 150 से ज्यादा मर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोच समझ नहीं कर रही। और ऐसी सरकार कैसे कि मतलब बच्चे भी ये करते हैं कि मतलब बच्चे भी सोच रहे हैं संविधान फॉर्म क्यों भरेंगे हम। मेरे खुद का बच्चा नर्सिंग कर रहा है 2015 में, एक उस नर्सिंग संविधान फॉर्म क्यों भरा उसने, क्योंकि वही पापा तुम्हारी तरह गवर्नमेंट ऐसे भागे देगी 2-5 साल काम करा के, नौकरी करनी इस तरह करूँगा बाकी मजदूर कर लूंगा, ये गवर्नमेंट काम है। हमारा निवेदन तो ये साहब कि 2007-08 के अंदर विद्यालयों के अंदर शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विद्यार्थी मित्रों के रूप में संविधान के ऊपर लगाया था, और अल्प वेतन के अंदर इन विद्यार्थी मित्रों ने बहुत शानदार काम किया। 5 साल 6 महीने का अनुभव मेरे पास है, इनमें से लगभग सभी ने 5-6 साल तक विद्यार्थी मित्र के रूप में अल्प वेतन के अंदर बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद राजस्थान सरकार से जब हमारी मांग हुई तो राजस्थान सरकार ने विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करने के लिए विद्यालय सहायक भर्ती 2017-18 के अंदर निकाली। तो किन्हीं कारणों से या राजनीतिक रूप से जो है विद्यार्थी मित्रों को अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अनुभव को दरकिनार करके कई लोगों को जो है उसके अंदर बिना अनुभव वालों को भी है जो ले लिया गया। तो ऐसे विद्यार्थी मित्रों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, तो वर्तमान सरकार भजनलाल जी की जो गवर्नमेंट है उनसे हमारा निवेदन है कि इन विद्यार्थी मित्रों को रोजगार दिया जाए, ताकि ये अपना जो बाकी का जो जीवन है आपने जो है मतलब इनसे संविदा के रूप में जो काम लिया है उस अनुभव के आधार पर अब भी आप जो है पंचायत सहायक के रूप में या अन्य किसी रूप में जो है समायोजित करते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। विद्यार्थी मित्र आपके ऋणी रहेंगे। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपना हक मांगने के लिए। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हमें ड्यूटी जो है आश्वासन देती है, और हमारे साथ बहुत भयंकर कुठाराघात किया गया है सर। हम जब अपनी नौकरी के लायक थे तो गवर्नमेंट ने हमें अपने लिए रखा कि हमारा काम करो, और हमने जैसे जैसे करके मतलब वहाँ पे अपना गवर्नमेंट के स्कूलों का ताला खोला और वहाँ पे जो है एडमिशन बढ़ाए, और तन मन धन से हमने सेवा दी है। जो भी मेरा भाई विद्यार्थी मित्र भाई बहने, लगभग 1000 बहने हैं हम इस संघ में, और कम से कम 4-5 हज़ार भाई भी हैं। तो सरकार के दिमाग में ये क्यों नहीं बैठता कि जब इन्होंने अपना जीवन यहाँ पे सौंप दिया, आपके लिए सौंपा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जो है इन सब का उद्धार करें। सिर्फ हम पंचायत सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं, हम परमानेंट भी नहीं कह रहे हैं अभी आपको, हमें भी पंचायत सहायक भर्ती में रख लिया जाए। जब हमारे 18,000 भाई बहनों को रखा था, हमें क्यों नहीं रखा? हमारे साथ ऐसा क्यों कुठाराघात किया जाए सरकार के द्वारा? वही पेमेंट हमें दिया था, वही उनको दिया। अब आपकी गलती है, पहली बात यह कि भाजपा सरकार ने जो था नियम सही नहीं निकाले थे, और उन नियमों के विरुद्ध जो काम हुआ, बीओ और पीओ ने अपने अपने मनमर्जी से काम किया, और हम ये 4,000 रह गए हैं। तो अब मैं भजनलाल सरकार से यही कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी सरकार ने ही भर्ती निकाली, बीजेपी सरकार ने ही हमारा शोषण किया, बीजेपी सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती और दूसरी कौन शिक्षा सहायक भर्ती निकाली। हमारे करोड़ों रुपए खा चुकी सरकार, करोड़ों रुपए हमारे खा गई है बेरोजगारों के। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो अपने बैठे बैठे आराम से मस्ती से खा रहे हैं बैठे। अरे हमारा भी सोचो कुछ, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम यहाँ पे ऐसे दर दर भटक रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें थोड़ी बहुत। तो अपने हमारे खून चूस के खा गए तुम सारा, तो थोड़ा दिमाग लगाए सरकार। अभी भी भजनलाल सरकार के पास समय है, और अभी भी हमारे लिए उन्होंने ये कहा था कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपका काम करेंगे। तो उस आश्वासन के तहत हम मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज मेरे सभी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो बहुत दूर दूर से आए हैं, बरसात के मौसम पानी भरा हुआ है, तो अभी परेशानी उठा करके यहाँ आए हैं। तो अभी सरकार अगर चेत जाती है तो बहुत बढ़िया है, मैं सरकार का धन्यवाद करूँगी, नहीं तो फिर हम और कोई कदम उठाएंगे। सीधी सी बात है, अब हम टिकने वाले नहीं हैं। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्हें युवाओं से नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, न शिक्षा से मतलब है। शिक्षा का भी इन्होंने धंधा बना रखा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना उन स्कूलों में, 1-1 लाख रुपए हम फीस भरते हैं, कहाँ से लाएंगे? सरकारी में तो रुड़ गई है सरकारी स्कूल, वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। और दूसरी प्रकार, हम जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे उस समय बच्चों की संख्या, उनसे पूछना आप बीजेपी सरकार वालों से, आज वो बीजेपी सरकार वाले हमें भूल गए हैं। और हम 15 साल तक, आज से हमारी 15 साल पहले की गिनो आप, तब हम पढ़ाने लायक थे, आज हम मेंटेलिटी भी अपसेट हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम सभी के आज्ञा हाथ जोड़ रहे हैं, मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद की, हमें हमारा रोजगार दो। जो पंचायत सहायक भर्ती है 2017 उनसे हमें वंचित है।
यानी हमारी जगह दूसरों को लगा दिया गया, वहाँ पर हमें भी समायोजित करो, कैसे भी करो, लेकिन सरकारी जो भी योजना है उसमें हमें समायोजित करो, रोजगार दो। अब हम ओवर एज भी हो गए हैं, इन भर्तियों में तो बैठने लायक ही नहीं रहे हैं, हमें आज थी कि क्या पता सरकार हमारी सुनेगी। इस तरह हमें आज 2017 से 2024 तक हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। मैं भजनलाल जी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि 2006-07 के माने बीजेपी की सरकार ही, और बीजेपी की सरकार ने ही विद्यार्थी मित्रों के रूप में इनको नियुक्ति दी, और करीबन 23-24 हज़ार विद्यार्थी मित्र लगे थे। 2014 में ही बीजेपी सरकार थी जो विद्यार्थी मित्रों की ये पद समाप्त कर दिया, और उनको बोले कि आपको अनुभव दिलाते हैं, अनुभव सर्टिफिकेट बनवाइए, और 2017 में पंचायत सहायक की भर्ती निकाली। अब उसके माने स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण से कि राजनीति की कारण से कुछ लोग वंचित रह गए हैं पंचायत सहायक बनने से। तो मैं भजनलाल जी की सरकार ने आज निवेदन करा कि 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्र रह बैले हैं रोजगार से, तो मैं को क्या 6,500 ने थे रोजगार दो था कि सरकार के मायने, क्योंकि आपका भविष्य था कि सरकार ने ही खराब करियो। यदि है भी टाइम थे नहीं लगाता आने तो एक कंपटीशन करता, पढ़ाई करता, नंबर आता, आज नौकरी करता। लेकिन जब आने सुविधा प्रत्ये ले लिया 8-10 साल तक था कि सरकार के मायने सेवाएं दी, तो पूर्ण विश्वास हो कि भाई अब तो आप सुविधा अपना अपने बाल निकाले को नहीं। तो माँ को भजनलाल जी सरकार ने आए कब है कि 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्र है आपको भविष्य अंधकार के मायने है, तो थोड़ी भी मानवता रखो तो अन्य रोजगार को कोई गिरो दिखाओ।